अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ये हमारे साथ एक छोटा ग्राइंडर है, ये काम नहीं करता। हम देखते हैं कि इसमें क्या पार्ट है। हमारे साथ रहिए कि इसमें क्या पार्ट है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। हम ये देखते हैं कि इसमें क्या मसला है कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें इसका वो इसी तरह का स्विच हो तो वो भी चेक कर ले। ये मैंने चेक किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, ये सही काम कर रहा है। इसके बाद हम इसका ये वायर चेक करेंगे कि इसमें मसला है कि नहीं। अगर इस वायर में मसला नहीं है तो फिर इसके कार्बन ब्रशेस को हम देखेंगे कि वो ख़त्म हो चुके हैं या वो सही है। अगर वो ख़त्म हो चुके हैं तो उसको चेंज करके ग्राइंडर दोबारा तैयार हो जाएगा और उस पर अपना अपना काम जारी रखेंगे। तो देखते हैं कि इसका वायर सही है कि नहीं। हमारे साथ ये हमारे साथ वो मीटर है, इसके ज़रिए हम ये कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि इसका वायर सही है कि नहीं। इसका एक तार जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको दूसरा तार चेक करेंगे कि इसमें मसला है कि नहीं। अगर इसमें मसला नहीं होगा तो फिर इसके कार्बन ब्रशेस जो है ना वो चेक करेंगे। इसके दोनों तार जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इसके कार्बन ब्रशेज जो है ना वो चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। अगर वो ख़त्म हो चुके हैं तो उसको दोबारा वो नया ला के चेंज करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। ये इसका कवर है कार्बन ब्रशेज का, इसके कार्बन ब्रशेज जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये बिल्कुल छोटा रह गया है, ये काम नहीं करता, इसलिए इसके लिए नए लेके आएंगे और चेंज करके दोबारा इसमें लगा के फिर इंशाल्लाह ये ग्राइंडर सही काम करेगा अपना। अगर वीडियो में कोई गलती होगी हो तो हम माजरत पाए। आइंदा इस तरह हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।